मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राबतों का फैसला कर लिया है। इस बारे में मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान शेख से। अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ताजा सियासी सूरत हाल के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राबते का फैसला किया है। नवाज शरीफ इत्तेहादी रहनुमाओं से मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर मुशावरत करेंगे, जबकि इत्तेहादी जमातों के ताजीन से मुशावरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की जो सियासी सूरत हाल है इसका भी असर नो जायजा लिया जाएगा। जबकि जो नवाज शरीफ अपनी जमात की सीनियर कैडर के इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों से राबते का उन्होंने फैसला किया है और नवाज शरीफ को तमाम इत्तेहादी जमातों के ताजीन से राबता करेंगे, जिनमें आसिफ अली जरदारी, चौधरी इज्तियाज हुसैन और मुनफ्फज तमाम समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। जबकि नवाज शरीफ एनकेएम और अवामी नेशनल पार्टी समेत बलूचिस्तान से इत्तेहादी जमातों की कैदे से भी राबता करेंगे और तमाम इत्तेहादी कायदीन से राबतों मुशावरत के बाद आइंदा की हिम्मत अमली तय की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अदनान शेख अपडेट करने के लिए।